दिन भर के सह प्रायोजक हैं स्विगी साई प्रणाम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। ग्रीन जोन से बाहर हुआ गोरखपुर मंडल, अभी तक कुल 8 कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गिडा और कसरवल बॉर्डर बैरियर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त कार्यालय पर लगे वॉशबेसिन में प्रवेश के दौरान खुद मंडलायुक्त ने धुला हाथ, कर्मचारियों से भी की अपील। जिला प्रशासन द्वारा 8 प्रकार की सेवाएं देने वाले दुकानों को खोलने के निर्देश पर सदर तहसील में लगभग 5500 लोगों ने किया आवेदन। मेडिसिन कंपनी बर्नेट फास्ट फेशियल के कर्मचारियों ने मंडलायुक्त को लगभग 200 सीसी सैनिटाइजर सौंपा। सूरत गुजरात से 1191 मजदूर पहुंचे स्टेशन, जिला पुलिस व रेलवे प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में यात्रियों की हुई थर्मल स्कैनिंग। जिला प्रशासन की अपील, कार्यालयों का चक्कर लगाना करें बंद, ऑनलाइन पास का करें आवेदन। लॉकडाउन के दौरान लगातार मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन शहर के अंदर आने वाली गाड़ियों की तलाशी कर लोगों से कर रहा है पूछताछ। महिला थाना प्रभारी ने आश्रम में रह रही महिलाओं में फल और सैनिटाइजर का किया वितरण। यातायात विभाग यात्रियों की बसों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने में निभा रहा है अहम योगदान। एनडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ आने वाले ट्रेन और स्टेशन पर कर रहे हैं सैनिटाइजर का छिड़काव। बाहर से आने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कर रही है स्वास्थ्य परीक्षण, तबियत बिगड़ने या अन्य समस्या पर डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है इलाज। डीपीआरओ ने कौड़ीराम ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण कर ग्रामीणों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाते हुए सुरक्षा किट का किया वितरण। भलोटिया मार्केट के सामने बेतरतीब खड़ी गाड़ियों का नगर निगम चौकी इंचार्ज द्वारा काटा गया चालान। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत चरगावा ब्लॉक में धान खरीफ क्लस्टर में ढांचा बीज का किया गया वितरण।